हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ अरेनियम की फ्लावरिंग पे बात करने वाली हूँ कि अभी आप कौन सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिसके आपके प्लांट में इस तरह से क्वांटिटी भर के फूल आए, एकदम पूरा मतलब प्लांट भर भर के फूल आए। तो कौन सा फर्टिलाइजर आप देंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं आपको अगर बता दूँ तो मैंने 0534 का स्प्रे किया था लगभग 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले, और अभी मैं आपको आज एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने अभी एक भी बार नहीं दिया था क्योंकि मेरे गार्डन में नहीं था वो, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन अभी मंगाया हुआ है तो मैं सोच रही थी अपने प्लांट में मैं थोड़ा थोड़ा दे दूँ, जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट अभी नहीं हुई है तो उनमें डाल दूँ, जिनमें हो चुकी है उनमें वैसे देने की ज़रूरत नहीं, उनकी फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम उसमें डाल देंगे। तो जिनमें जैसे फ्लावरिंग हो रही है उनमें भी आप चाहे तो दे सकते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और ज़्यादा अच्छा। तो देखिए आज एक न्यू फ्लावर खिला हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। वैसे इसमें कलर दूसरा निकलता, कलर जो कैटलॉग उन्होंने भेजा था वो दूसरा कलर था, लेकिन फ्लावर दूसरा निकल करके आया है तो मुझे लगता है कंप्लेन करनी पड़ेगी क्योंकि 3 फ्लावर इसी सेम कलर के निकल गए जबकि उन्होंने कलर अलग अलग बताए थे। पर फ्लावर्स इतना सुंदर है कि मन नहीं करता है कि मैं उनसे कंप्लेन करूं, पर फिर भी ये था ना कि एक प्लांट से तो हम बाद में कई प्लांट बना सकते हैं, लेकिन वो जो कलर और मतलब देखे थे हमने वो नहीं मिल पाया। तो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार उनको बोलूँगी ज़रूर मैं कि ऐसा प्लांट ना भेजा करें, मतलब एक ही कलर के 3-4 प्लांट हो जाएंगे तो बेकार है ना। हमने इस कलर अलग अलग सिलेक्ट किए होते हैं और मिल जाता है कुछ और ही। एक ये भी है देखिए, वैसे इसका फ्लावर पहले भी खिल चुका है मेरे गार्डन में, एक ये नया खिलने वाला है। बहुत सस्पेंस बना हुआ है कौन सा कलर निकल करके आएगा, खोल दूँगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर अच्छे से खिलेगा भी नहीं इसलिए। और एक इसमें शायद जो कलर उन्होंने भेजा है वही सेम निकल करके आएगा, दिख रहा है इसकी कलियों से ही। आज हम बात करने वाले हैं अरेनियम फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो ये फर्टिलाइज़र है बायो ऑर्गेनिक पोटाश, जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से, KNR जो वहाँ के मतलब वहीं से इसका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ज़रिए मुझे मिला है, KNR कॉरपोरेशन से। तो ये देखिए ये इस तरह से ग्रेन्यूल फॉर्म में है, ये देखिए ये बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसी की हम आज मात्रा थोड़ी थोड़ी अपने प्लांट में देने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया इतना और लगभग इतना लग जाएगा हमारे प्लांट में। तो आपको क्वांटिटी अगर बता दूँ तो एक गमले में 10 इंच का गमला है तो आप उसमें 8 दाने डाल दीजिए, और 12 से 14 इंच के गमले अगर हैं तो आप उसमें 12 दाने डाल दीजिए। बस इतनी इतनी मात्रा आपको एक एक प्लांट में देनी है। देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देना है, है ऑर्गेनिक लेकिन फिर भी से। तो देखिए कुछ प्लांट मैंने ग्राफ्ट करके अभी अभी रिपोर्ट किए हैं तो उनमें भी मैं इसका यूज करने वाली हूँ, और साथ में जिस प्लांट में सीड पॉट बन रहे हैं उसमें भी आप इसको दे सकते हैं, प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ये देखिए इस तरह से, और इसमें सीड पॉट बने, रेड कलर का इसका सिंगल पेटल का फूल है और ये देखिए इसमें एक सीड पॉट बना हुआ। इसमें मेरे गार्डन में इस बार एक ऑक्सकॉम के प्लांट है, पूरे गार्डन में हर जगह ग्रो हो रहे हैं और ये प्लांट इसी तरह के होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आप ले आइए, ऐड कर लीजिए तो हर गमले में ये ग्रो होगा फिर, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए 2 प्लांट को मैंने रिपोर्ट भी कर लिया अलग अलग गमलों में। मैं अपने टॉपिक से हर बार हट जाती हूँ। तो ये देखिए इतने ग्रेन्यूल ले करके हम इस तरह से इसको डाल देंगे। अब जब भी हम पानी देंगे ना, आप चाहे थोड़ा सा मिट्टी में मिक्स कर दीजिए इस तरह से, नहीं तो जब भी आप पानी देंगे तो पानी में घुल करके ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा। तो अब देखिए ये वाला प्लांट है, ये अभी अभी क्राफ्टिंग की थी मैंने और रिपोर्ट किया हुआ था, ये देखिए। तो इसमें कम से कम हम 12 दाने डाल सकते हैं, ये बड़ा पॉट है तो 10-12 दाने 14-15 दाने तक हम इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो डाल दिया हमने, और ये भी है एक, ये देखिए इस तरह से। तो सभी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे आप की कलियां भी बन गई हैं ना उसमें अगर आप देंगे तो आपकी कलियों का जो चमक है, फूलों की चमक है बहुत अच्छी निकल करके आएगी और आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी तरह से ग्रो होगा। तो ये देखिए ये ऑर्गेनिक के साथ साथ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी है जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी वाटर सेल्युबल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं मिट्टी में तो बहुत ही जल्दी वो पानी में घुल करके वेस्ट हो जाता है, पर ये धीरे धीरे काम करेगा और धीरे धीरे आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाएगा। तो इसलिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने नहीं मंगाया है तो मंगा लीजिएगा, और लिंक मैंने इसकी वीडियो डाली हुई थी मेरे चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं जब मैंने इसको मंगाया था, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको मंगाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और नहीं तो मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगी। तो ये फ्लिपकार्ट से KNR कॉरपोरेशन की साइट से मैंने इसको मंगाया है, और काफ़ी मतलब प्राइस भी ठीक ठाक था, अच्छा था,
और शायद अभी ये ऑफ़र में था इसलिए इसका प्राइस सही मिला मुझे। तो इस तरह से आप यूज करिए अपने गार्डन में, केमिकल बहुत ज़्यादा यूज मत करिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक पे ही जाइए तो आपका जो प्लांट का हेल्थ है, प्लांट का रिजल्ट है, आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अडेनियम एक ऐसा मतलब प्लांट है कि अगर आप उसको फर्टिलाइजर ना भी देना तो भी अपने सीजन में फ्लावरिंग करता ही करता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के फर्टिलाइजर का सहारा लेते हैं। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा केमिकल ना लेकर के आप इस तरह ऑर्गेनिक का सहारा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक से आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत मात्रा कम ज़्यादा होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस फ्रेंड्स, तो ये फर्टिलाइजर देखिए आप इस तरह मिट्टी मिक्स कर देंगे तो और अच्छा है, जल्दी मतलब वो ऊपर सूखेगा नहीं, पड़े पड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, मैंने पहले भी मंगाया हुआ था, पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसको, और अभी मैंने फिर से मंगाया क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये देखिए, और जैसे ये फ्लावर दे रहे हैं तो इनमें वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं इसमें भी, और इसमें मेरा एक छोटा सा सीड पॉट बन रहा है देखिए, तो हम इसमें भी डाल देंगे, सीड पॉट को न्यूट्रिएंट्स देगा थोड़ा सा ये पोटास, और इसमें भी मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे सूखे हुए फूल भी पड़े हैं देखिए, इस तरह सूखे हुए फूलों को आप हटा लीजिए प्लांट से, नहीं तो क्या होगा, ये लगभग 16 इंच के गमले होंगे, हाइट मतलब जितनी हाइट है इसकी उतनी ही नीचे की हाइट है, उतनी चौड़ाई भी है, दोनों बराबर बराबर, तो शायद 12 इंच या 16 इंच के तो होंगे ये गमले। तो देखिए इसमें भी हमने डाल दिया है, तो अगर आपके प्लांट में कोई सीड पॉट बन रहा है तो उसमें भी आप ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और एक प्लांट मेरा ये है, थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है ना बहुत स्लो हो गई थी, लग नहीं रहा था कि बचेगा, दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ गया, श्रिंक हो गया था पूरा, अब ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले करके हमें अपने सभी प्लांट में दे देना है। जैसे ये न्यू प्लांट है हमारे, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है ठीक से, इन्हें हम सब में थोड़ा थोड़ा दाना इस तरह से बिखेर देंगे। तो ये देखिए सभी में, तो कलियां भी आएंगी, फूल भी अच्छे खिलने लगेंगे और हैवी क्वान्टिटी में खिलेंगे। ये देखिए सारे न्यू प्लांट हैं मेरे, तो इस तरह से मिट्टी में हमें इसको मिक्स कर देना है। अभी मैं मतलब दोपहर का टाइम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ग्रेन्यूल है, ऐसे ही रहेगा अभी गमलों में, शाम को हम जब भी पानी देंगे तो पानी के साथ ही घुल करके मिलता रहेगा। तो ये फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी भी नहीं देनी है कि ऑर्गेनिक है तो हम कुछ भी डाल दें, बहुत सारा डाल दें, तो ऐसा नहीं करना है। और ये देखिए, तो बस अगर इस तरह से हैवी फ्लावरिंग आपको चाहिए ना तो आप पोटास का यूज़ करिए, पोटास से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और साथ में प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, सिर्फ फ्लावरिंग के लिए बस नहीं होता है ये, तो अच्छी मतलब ग्रोथ भी करेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इधर भी देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है इस समय, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप अपने प्लांट की थोड़ी सी केयर ज़रूर कीजिए, नहीं तो प्लांट बर्न हो सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इधर आपको अब एक रेड कलर वाला भी दिखा दूँ, बहुत सुंदर ब्लूम्स हुआ है, देखिए हैवी क्वान्टिटी में इसमें फूल आए हुए हैं रेड में। जब मेच्योर प्लांट पर ग्राफ्टिंग करते हैं ना तो उसका रिजल्ट ही अलग निकल करके आता है, बहुत सुंदर से, 4 ब्रांच इसमें रेड कलर है, बाकी अलग अलग कलर की ग्राफ्टिंग है। तो बस फ्रेंड्स,